दोस्तों यार, अभी के टाइम में हमारे मोबाइल में एक हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है। बहुत से लोग गाइस मुझे कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में ऑलरेडी फिंगर है, मेरा मोबाइल 2 या 3 साल पुराना हो चुका है बट अभी वो फिंगर काम नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे कि मोबाइल का फिंगर ख़राब है या भाई हम ही कुछ सेटिंग को गलत कर रहे हैं या हमें ठीक से लगाना नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए भाई कोई भी हमारा एक ऐसा ऐप्स है जिस पर मैंने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट ऐड किया हुआ है। अब फिंगरप्रिंट को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना फिंगर। सो यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है ट्राई अगेन, मतलब भाई ये बोल रहा है कि इस ऐप्स में आप अपने मोबाइल में फिंगर का ऐड तो किया हुआ हो बट यहाँ पर जब भी आप फिंगर से किसी भी चीज़ को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन नहीं होता। तो चलिए मैं रीज़न आपको बताते हैं। अगर आपका फिंगर ऑलरेडी पहले से ख़राब होगा तो भाई यहाँ पर आपका फिंगर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप अपनी सेटिंग में फिंगर डालने का ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो भाई वहाँ पर फिंगर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, ना आपका फिंगर वहाँ पर ऐड होगा। क्योंकि भाई अगर आपका फिंगर ख़राब हो चुका है तो वहाँ पर फिंगर ऐड कैसे होगा। एंड अब दूसरा रीज़न है कि भाई जब मैं फिंगर को ऐड कर देता हूँ तो उसके बाद फिंगर यहाँ पर काम क्यों नहीं करता, वर्क क्यों नहीं करता, इस टाइप से ट्राई अगेन वाला ऑप्शन क्यों आता है। सो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊँगा। तो चलिए विदाउट आपका टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। एंड बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है एंड मैंने भी इसको ट्राई किया है, मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी इसको ट्राई किया है। क्या होता है जब आपका मोबाइल ओल्ड हो जाता है तो भाई इसमें आपको हर महीने के अंदर एक ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है जिससे भाई आपका फिंगर अच्छा खासा वर्क करता रहे। अब जैसे आप मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आओगी सो यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ी नीचे स्वाइप अप करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम होगा फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। सो आपको फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम होगा फिंगरप्रिंट। सो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। मैंने फिंगरप्रिंट पर किया क्लिक एंड यहाँ पर लिखा है एंटर दिस लॉक स्क्रीन पासवर्ड। सो यहाँ पर हमें अपना पहले लॉक स्क्रीन का 4 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपका 6 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। सुबह पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर गाइस आपको सबसे ऊपर मिलेगा अनलॉक एंड नीचे प्राइवेसी एंड ऐप्स इनेबिलिटी एंड उसके नीचे फिंगर वन ऐड ए फिंगर। सो आपको सिंपली फिंगर वन नीचे से दूसरे नंबर पर आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर ब्लैक में लिखा है फिंगर वन। सो फिंगर प्रिंट वन पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएगा, ये बोल रहा है कि ऐड पहले से एक फिंगर है, मतलब ऑलरेडी आपने पहले से एक फिंगर डाल के रखा है। सो वो वाला फिंगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है जैसा कि आपको भी पता है। सो आपको क्या करना है, नीचे कर देना है डिलीट फिंगर प्रिंट एंड नीचे कर देना है आपको ओके। जैसे आप डिलीट फिंगर प्रिंट पर करेंगे ओके कर देंगे तो यहाँ से आपका वो वाला फिंगर रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जो ऑलरेडी आपने अभी फिंगर डाला है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अब आपको जाना है ऐड ए फिंगर प्रिंट। जैसे आप इस ऐड ए फिंगर प्रिंट पर जाएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आपको वही वाली अच्छी खासी उंगली लगानी है जिसका फिंगर ऑलरेडी अच्छा खासा वर्क करता हो। सो सिंपली यहाँ पर हम एक अपनी फिंगर को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर बार बार ऐड करता रहना है जब तक ए वाला पूरा लाइन यहाँ पर ड्रा ना हो जाए। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालता हूँ, इसी टाइप से आपको भी यहाँ पर ट्राई करना है। सो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया, नीचे बोल रहा है कंटिन्यू एंड यहाँ पर 5-6 बार आपको फिर से अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पर 5-6 बार फिर से डाल देता हूँ एंड आपको भी इसी टाइप से डालना है। मैं गारंटी लेता हूँ आपका फिंगर वन क्लिक में ओपन हो जाएगा। सो नीचे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर कह आ गया है फिंगरप्रिंट वन, मतलब यहाँ पर हमने भाई न्यू फिंगरप्रिंट को ऐड कर दिया है। अब आपको करना है बैक एंड आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताया। भाई अगर आपके मोबाइल का फिंगर काम नहीं कर रहा है, फिंगर सही है बट आपका फिंगर से कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही है तो भाई आपको ओल्ड फिंगर को यहाँ पर डिलीट कर देना है एंड आपको न्यू फिंगर को यहाँ पर ऐड कर लेना है। 100% भाई ए वाली ट्रिक वर्क करेगी। अब चलिए कहीं भी आपको अप्लाई करके बताते हैं एंड चलिए जीमेल को ओपन करता हूँ एंड जीमेल पर ऑप्शन आ चुका है। अब चलिए मैं अपनी फिंगर को यहाँ पर पुट करता हूँ। जैसे मैंने फिंगर को ऐड किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए वाला जीमेल ओपन हो चुका है। सो अच्छी खासी ट्रिक थी एंड आपको भी इसको ट्राई करना है, 100% आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा।